आइए आप सबको अगले कवियों से आपको जुड़वाता हूँ। तो भूल गया, बात ये कर रहा था कि ये काशी की परंपरा है। आदरणीय जीजा जी, काशी की परंपरा में कविताई की परंपरा है, वहाँ हंसने की बहुत परंपरा है। वहाँ गली नुक्कड़ चौराहे पर जो हास्य बिखरा मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं बिखरा मिलेगा। मैं पिछले 7 वर्षों से बनारस रहता हूँ आदरणीय गुरु जी। मैं पिछले महीने 6:30 बज रहे होंगे शाम के, मैं जा रहा था तो एक चाचा थे, वहाँ बूढ़े लोगों को बुढ़ऊ कहा जाता। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दें, अपने यहाँ कह दे बुढ़ऊ तो मारपीट हो जाए। वहाँ तो कहते हैं बुढ़ऊ कहा जाता हुआ, और वो लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हाँ हमके बुढ़ऊ कहा था। और तो ये बात है, वो काशी की परंपरा है। हमने चाचा से पूछा कि चाचा ये बताओ कि ये रास्ता चंदौली चली जाएगी क्या? तो अगर बचवा रास्ता तो चंदौली चली जाएगी, लेकिन इतनी रात को तुम नहीं जा पाओगे। तो ये काशी की परंपरा है, हंसने की परंपरा है। आइए, एक कवि को इसलिए नहीं बुला रहा, आप अपने फोन पे देख लीजिए, नेताजी लपेटे। आज तक देश का कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां दमदार बनारसी का बोलबाला नहीं है। मैं दमदार भाई को इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं कि वो एक ऐसे जिंदा दिल व्यक्तित्व है, आधे घंटा 45 मिनट जब आपको हंसाएंगे तो आपको लगेगा कि ये कवि सम्मेलन इसीलिए हुआ था। आइए एक बार हंसने की कला सीखिए, मुस्कुराहट सीखिए, जरा जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कीजिए आदरणीय श्री दमदार बनारसी। देखिए हम, मैं काशी में रहता हूँ, हमारा सब कुछ अगर जमानत जब्त हो जाएगा तो कोई बचाएगा नहीं, आधार कार्ड इन्हीं का लगेगा, इसलिए आप जरा जोरदार तालियां बजाइए और मुखर होकर आदरणीय श्री दमदार बनारसी। तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के समक्ष पढ़ता हूँ। बड़ा ये प्रीति पांडे और ये आकांक्षा बैठी हुई हैं, कितने लंबे बाल इनके प्यारे लग रहे हैं। मेरे भी बाल बड़े लंबे हुआ करते थे कभी, हाँ सच में। आप वीडियो देखेंगे, पुराना तो देखेगा, दो कारणों से भाई साहब कटवाना पड़ गया, आपके तो है ये नहीं है, चमक रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, वो बाल न होना लोग मानते हैं कि बाप रे बड़ा भाग्यवान है, ये हमारे यहाँ की रीति है। बाल अगर झड़ जाए तो लोग कहते हैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है कि नहीं? और हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कवि सम्मेलनों के मंचों पर कि दो औरतों के कारण बाल उगते हैं और झड़ते हैं। बचपन में माँ जब हाथ फेरती है तो उगते हैं, बाद में शादी हो जाती है फिर पत्नी फेरने लगती है तो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। नहीं यहाँ ताली बजती नहीं है, घिसा पीटा बात है। नई बात ये है, कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे मोहल्ले ने तबीयत से हाथ फेरा हो। हाँ नहीं नहीं बाल ना होना ये मतलब ये आपकी तारीफ की ही बात है। हमारे यहाँ बनारस में बहुत सारे कवि हुए, उसमें सलीम शिवाल भी हुए, वो कहते हैं फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता, ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता, इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है बाकी, कोई भी सूरमा हो बाल बाका कर नहीं सकता। स्थिति गड़बड़ है, मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। स्वागत भैया। मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के बीच रखता हूँ, बीच में जब व्यवधान आ जाता है तो वो ट्रैक चेंज हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है मामला, वो तारतम्य में बिगड़ जाता है, तो वो बिगड़ चुका है। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। अक्सर लंबे बालों के कारण लोग ये, हाँ मेरी बहन बैठी हुई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लंबे बालों के कारण अक्सर लोग जुओं की समस्या से त्रस्त होते हैं। मेरे बाल लंबे थे, मैंने दो कारणों से कटवा दिए भाई साहब। पहली बात तो ये थे कि आपसी झगड़े में पत्नी के हाथ में आ जाते थे, और दूसरा ये कि जुएं पड़ गई थी। अच्छा पत्नी का इलाज दुनिया में है? नहीं है। मैंने जुओं की दवाई बनाने की कोशिश की, मैंने कहा एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहता हूँ कि फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडॉल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था, सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर भैया बाबू साहब शेख जी माई बाप कहाँ जा रहे हैं आप, तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की राम बाढ़
दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात की आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपने चमकदार रेशम जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोली, कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोंका सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला, बस चकित रह गई, अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। प्रणाम करता हूँ। क्या धंधा भाई, बाबा बाबा। जुओं को पकड़िए, हथौड़ी से मारिए। भाई साहब, यही सब अंड रचनाएं मैं करता हूँ। ये क्या, इन लोगों का ज्ञान प्रकाश भैया बहुत अच्छे गीतकार हैं। इन्होंने कहा, दमदार यार, तुम कुछ वीर रस लिखा करो, वीर रस लिखोगे तो मजा आएगा। तो मैंने लिख करके इनके पास दिखाने की कोशिश की, इन्होंने पास कर दिया। आप पास करेंगे कि पता नहीं, मैं चार लाइनें वो आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिएगा। हाँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा भाई साहब। हाँ, आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ चढ़ के आए, पीठ पर ठोक के बोले बेटा खुश रहो, आप वहाँ से ताली वाली बजा के आशीर्वाद दे सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, सुनेगा। मैंने देशभक्ति की चार लाइनें लिखी और आपके दिलों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वह बात आप तक पहुँचती है कि नहीं। मैंने कहा कि उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह, दादा उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। दादा फिर हाथ खोल के बैठिए ना, मान लीजिए कोई ऐसी बात आई, अचानक खोलना पड़े, बगल वाले का जियोग्राफिया खराब हो सकता है। उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह, मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। दरअसल जिसका जो नेचर रहता है वो कभी बदलता नहीं है, किसी की प्रवृत्ति बदली नहीं जा सकती है। मैं कहा, आए दिन खबरें मिलती हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आजकल ये घटनाएं सुनने को नहीं मिलती हैं, इसलिए मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद भी देता हूं, कम से कम पूरी तरह से लगाम लगाने का प्रयास तो किया है। ये अपने दिल की बात मैं बता रहा हूं। और वैसे इनकी प्रवृत्ति बदलती नहीं है, वो जो दुम होती है वो टेढ़ी ही रहती है। इसलिए मैं पाकिस्तान की प्रवृत्ति के लिए चार पंक्तियां मैंने लिखी, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। इससे निकृष्ट कविता मैंने आज तक जीवन में नहीं लिखी है। भाई और क्या कर सकते हैं, मैं कि है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। हम फिर आप हाथ बांध ले रहे हैं यार, बजा नहीं आएगा, फिर ताली कैसे बजेगी। आप भी प्रवृत्ति बनाइए ताली बजाने की। है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना, जन्म से जो कमीना है कमीनापन दिखाएगा। पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना। हम विदेशों की बात करते हैं, हम सरहद के पार चले जाते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन असली में खतरा तो देश वालों से ही है। अपने ही देश में लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मेरे गर्दन पे छुरा रखो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, कहीं संविधान में लिखा ही नहीं है। तो मैंने कहा कि संविधान में ये भी नहीं लिखा कि आप भारत में पैदा होंगे, गलती से हो गए तो यहाँ का मानिए, नहीं तो मामला खराब हो सकता है। तो मैंने चार लाइनों में अपनी बात रखी और ये भूमि की बहुत विशेष कृपा है इन पंक्तियों पर। मैंने कहा कि जिसके हृदय में गीता गंगा गो माता का प्यार नहीं, जो निजराष्ट्र की रक्षा है तो मिटने को तैयार नहीं। प्रशांत सुनना, जो निजराष्ट्र की रक्षा है तो मिटने को तैयार नहीं, जिसके हृदय में गीता गंगा गो माता का प्यार नहीं, भारत माँ की जय कहना जिसको हरगिज स्वीकार नहीं, मेरे देश में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं, मेरे देश में रहने
बेटा उसको कोई तुम छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी कविता और आपके बीच रखना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, आपके यहाँ भी चुनाव होते हैं। चुनाव में अक्सर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो चुनावी मैदान से मैंने एक छंद, एक व्यंग निकालने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधे, इसको ठीक करो यार। एक नहीं, मैं कविता सुना रहा हूं, तुम्हें नहीं कह रहा हूं भाई। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। यहाँ ताली नहीं बजती भाई, ताली नहीं बजती। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। दोस्तों, ताली यहाँ भी नहीं बजती, तालियां अगली पंक्तियों पे चाहता हूँ मैं। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, तालियां यहाँ भी नहीं बजती। तालियां तो मैं अगली पंक्ति पे चाहता हूँ। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें, आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें, आदमी को आदमी। में बहुत प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा, मैं, आपने इतना प्यार दिया, ये प्रशांत जानता है। मैंने कल मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि दो तीन कार्यक्रम इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन प्रशांत ने कहा कि तुम्हें आना होगा और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आइए आदरणीय, ये हमारे अतिथि हैं। क्या बात है, आदरणीय गुप्ता जी, स्वागत है आपका। स्वागत, बहुत अच्छा लगा, आप बैठे। गुप्ता जी के सम्मान में जोरदार एक बार तालियां हो जाए। ये कितनी अच्छी बात है कि गुप्ता जी ने अपने बालों के सफेदी पे सर कुछ काम किया, या ऐसे नेचुरल सफेद हो गए सर? नहीं, हमारे क्या है, हमारे कुनबे के एक बहुत बड़े कवि रहे रूप नारायण शर्मा, उन्होंने कहा कि फूल रहता है, पान रहता है, चंद्रमा के समान रहता है, मन तो तन तो ढल जाता, किंतु मन कवि का जिंदगी भर जवान रहता है। तो कवि सम्मेलन जो सुनने आता है वो कवि हृदय ही होता है, वरना किसी को कवि सम्मेलन से क्या पड़ी है। न गमों का ये सिलसिला होता, नगमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल नासना होता। सुनना मेरे से, लेकिन तालियां इनके हिस्से में आनी चाहिए। नगमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल नासना होता, वो अगर बेवफा नहीं होती मैं भी शायर कहाँ बना होता। वो अगर बेवफा नहीं, वाह 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 वाह, मैं भी शायर। दरअसल क्या है, शादी के बाद, शादी के बाद पत्नी भले ही स्वर्ग की अप्सरा मिल जाए, जन्नत की हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन दिल में जो तड़प होती है, जो कसक होती है, आदरणीय गुप्ता जी की तरह जिंदगी भर नहीं जाती। भाई साहब, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। सवेरे की ताजी हवा, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। और मेरी खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही, अच्छा जब
जब मोहब्बत में आदमी पड़ता है और गलती से शादी हो जाती है तो उसमें भी जुगाड़ निकालने की कोशिश करता है। कायदे से तो एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी जुगाड़ निकल आता है। और शादीशुदा लोगों के लिए पढ़ता हूँ कि बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखता हूँ, नैनों के जोड़े कजरारे रखता हूँ, घर में बीवी है तो बाहर दिलरुबा, एक मयान में दो तलवारें रखता हूँ। क्या बात है दमदार भाई, वाह 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 दोस्तों। तो भाई साहब।